सगल सामग्री तुम रे सुतरकारी, सगल सामग्री तुम रे सुतरकारी, तुम ते हो ये सो आगे आकारी, तुम ते गत मित तुम ही जानी, तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी, नानक दास वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सत्संग जी, वेलकम टू दिस सेकंड सेशन ऑफ द चौथी अष्टपदी ऑफ सुखमणि साहब जी। सो लेट मी रिकैप व्हाट वी अंडरस्टूड फ्रॉम द फर्स्ट फोर शब्द्स ऑफ द चौथी अष्टपदी। इट वाज an address or an insight into what the human being or the person is, that he is born as a manmukh and he is supposed to, you know, acquire the guru's dealings and become a gursikh. And manmat versus gurmat. A person who has gurmat will always be happy, will not have, you know, the mental tensions or diseases, because he, for him, the meaning of life has been outlined in those, in the Sukhmani Sahib, and he has to align himself to that thinking. Then he doesn't need to go to a psychologist or to a psychiatrist or, you know, take medications and remain in some state, you know, mental state. So what he, fifth Guru Nanak, says is that Guru Sahib or the Waheguru, ultimate Guru, who is Akal Purukh, has already, when he creates you on this earth, he's already made arrangements for your sustenance. He's already planned your life. So you need to accept that. And oda paana manna, eh ho cheez hai ode paana manna. And then for you the job is only remembrance. Loving devotion, continuous remembrance by Naam Simran, Uchcha Ucharna, Te Kannal Sunna, ya
कीर्तन करना, ये दो ही चीज़ें गुरसिख की मेन जी जी मणि है, जिंदगी की मणि है, वो यही है जो चो सुख मिलेंगे, बाकी सब जरा है फोका शैल है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव बॉर्न एज विदाउट एनी गुणाज, विदाउट एनी मैनी क्वालिटीज, एंड वी हैव टू अक्वायर द क्वालिटीज बाय दिस, वैन वी स्पेंड अ लाइफ वी अक्वायर दिस क्वालिटीज एंड वी aspire to become Gursikhs. Now we come to the fifth Shabad of this fourth Ashtapadi. Kartut pasu ki manas jat, lok pachara kare din raat. Guru sahab kehnde ne ki tu jat nalo, tu species na tu insaan hai, lekin tere kam jede ne o janwar wale ne. Kis tarah दिल च गुस्सा रखना, बुराई रखनी, लालच रखना, काम दी वासना रखनी, ते रब्बी गुण नहीं ग्रहण करने, नहीं दिखाने, नहीं अंदर लेने, ते नहीं डिस्प्ले करने। सो दिस इज अ लिटिल एडवांस थिंकिंग, बट ये है कि वन हैज टू नो व्हाट इज व्हाट आर गॉडली वर्च्यूज एंड व्हाट आर द क्वालिटीज, एनिमल क्वालिटीज। करतूत पशु की मानस जात, लोग पचारा करे दिन रात। लोग पचारा करे दिन रात, वो जो आजकल सोशल मीडिया च हो रहा है, मैं कोई पोस्ट पाई सी, किन्ना ने लाइक किया, किन्ने डिसलाइक किया, की कमेंट ने, सारे टाइम लोगों की इंप्रेशन ते चलना, अपनी जिंदगी टालनी दूसरा दे थिंकिंग ते, वो किवें सोचेगा। मैं अपने मेरे फादर बीमार ने, मैं हस्पताल नहीं लेके गया, लोग की गुआंढी की कहेंगे, उन्होंने ये नहीं पता कि मैं किन्नी सेवा कर रहा हाँ, या मेरे फादर दी की इच्छा है, ही वॉन्ट्स टू स्पेंड हिज फ्यू डेज इन हिज बेड, नहीं गुआंढी की कहेंगे कि देखो ये हस्पताल नहीं लेके गए। एक छोटी सी एग्जाम्पल है, बहुत कॉमन है साढ़े मेरी प्रैक्टिस। लोग बचारा समय ऑल द टाइम बींग बॉदर्ड अबाउट व्हाट अदर पीपल विल थिंक, सारी जिंदगी लोगों की थिंकिंग वास्ते, अपने आप को इंप्रेस करने वास्ते, उन लोगों को इंप्रेस करने वास्ते सारा टाइम अपनी एनर्जी ओदे च लानी। लोग पचारा बाहर बेक, बाहर पेक अंतर मल माया, छपस नाही कछ करे छपाया। कहते ने तू जो मर्जी कर ले, तू बाहरों एक पेक बनाया है, तू बड़ा पढ़ा लिखा, बड़ा सूझवान, बड़ा गुणीगार, बड़ा ही वेरी पॉलिश, बड़ा तो संत है, पर तेरी दूसरे को छुपती नहीं हैगी। जेड़ा बंदा थोड़ा जा भी इंटेलेक्चुअली एडवांस्ड होएगा, ओदे को चीज नहीं छुपती। तो 100 विचों 50 बंदे 60 बंदे जरूर धोखा दे देगा, पर विचों कोई बंदा जेड़ा अकल वाला होएगा, वो तेनों हमेशा पकड़ लेगा। इट इज ऑल पेक, अंदर तेरे मल माया है, जदों तक तू अंदर नहीं जाएगा, अपने अंदर नहीं देखेगा, अपने अंदर के अवगुण नहीं देखेगा, उन्होंने गौर नहीं करेगा, तो उन्होंने अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाएगा कि इन्हें मैं कड़ा तो रब्बी गुण लवा। तेरे अंदरों मल माया, मल माया मीन्स द फिल्थ, साड़ा मन जड़ा है इट्स अ रिवर ऑफ फिल्थ। गुरु साहब भी कहते हैं कि तेरा मन जो है इट्स अ रिवर ऑफ फिल्थ, जस्ट इग्नोर इट, इग्नोर इट, डोंट डाइव इन टू इट, लेट इट फ्लो। वो मन की फितरत है, बट तेरी योर एम इज समथिंग एल्स, योर एम इज टू इग्नोर इट, गेट इट आउट ऑफ योर सिस्टम एंड अपनाओ रब्बी गुण। रब्बी गुण अपनाएगा वो ये मन जड़ा है कदे ना कदे सुख जाएगा, खत्म हो जाएगा। इट इज रिवर ऑफ फिल्थ, मन माया जड़ी है ये खत्म हो जाएगी, बुरे ख्याल खत्म हो जाएंगे। बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर लिया प्यापे लोभ सुहान। सुहान की होंगे डॉग, कुत्ता, कुत्ते की सब तो वाला अवगुण की होंगे, कदे भी खाने की चीज दिस जाए उसके मुंह से लालच आ जाता है। ट्राई इट समटाइम, यू ट्राई टू शो कुछ भी खाने की चीज कुत्ते ने दिखाओ, दैट इज द व्हाट यू सी ऑन हिज फेस इज ग्रीड, वो तेरे अंदर व्याप रही है। जे तू थोड़ा जा भी मेडिटेट करेगा, जे तू मेडिटेट करेगा गॉडली क्वालिटीज थे, लविंग रिमेंबरेंस थे ऑफ वाहेगुरु जी, यू विल फाइंड व्हाट आर योर बैड क्वालिटीज, यू विल कम टू नो ये चीज जड़ी मेरे अंदर चलती है, ये अवगुण है जड़ा मेरा, विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इट कैन बी दैट ग्रीड ऑफ अ डॉग, वो भी हो सकता है, वो अंदर व्याप रहा तेरा,
तू लब उन जे होए जे ना है तो अच्छी गल है बट जे है तो उन्हें रियलाइज कर ते जब तू रियलाइज करेंगे दैट इज द बिगनिंग ऑफ फ्रीडम फ्रॉम ग्रीड। बाहर ज्ञान ध्यान इस्नान बाहरों तो तू बड़ा साफ सुथरा लगता है सफेद पग बनी नहा धो के दाढ़ी बना के एकदम लोगों ने इंप्रेस कर बैठा है बट अंदरों यू हैव टू टर्न इनसाइड। तेरा काम लोग पचारा नहीं हैगा तेरा काम हैगा यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ दैट इज योर प्रायोरिटी इज नॉट टू इम्प्रेस अदर्स। अंतर अगन बाहर तन स्वाहा वो कहते हैं ना एक लकड़ जी फायरप्लेस जल रही होंगी है उपरों ओद राख लगी है लगता है शांत है अंदर ठंडी हो गई है तो वही एक एनालॉजी जी गुरु साहब ने दी है जेडे भेखी साधु बनया हों पूरे शरीर तो उन्हें साल सवा ला लेंदा है लेकिन अंदरों की है वह अंदरों कोई घूमना फिरना नहीं मुकता क्यों वो हले भी वो दुनियादारी नहीं खटी उन्हें खत्म नहीं हुई क्यों वो उस सारी क्वालिटीज ने जिड़िया ही सपोज टू रिमूव वो उन्हें कीती है नहीं लेकिन उपरों पेख लगाया किसका सवाल आई हुई है उसी तरह अग जी एक लकड़ी का पीस पिया जो सवाल लगी है ये ना सोची कि वह ठंडी हो चुकी है मन मर चुके है नहीं वो अंदर हले भी अग चल रही निर्गुण अवगुणा की जी अग है अंदर है वो ही एनालोगी देंगे ने अंतर अगन बाहर तन स्वाह बाहर तू बड़ा बड़ा तू पहुंचा लग रहे हैं बड़ा तू यू नो खुली दाढ़ी ते बड़े सफेद कपड़े पाके योर एम इज टू इम्प्रेस पीपल विद योर टॉक और विद योर डिमीनर बट यू योरसेल्फ नो व्हाट इज इनसाइड यू दूसरा कोई नहीं जान सकता खाली एक रब है वो जानता है वो तेरे को खबर लेगा सही टाइम से बट राइट नाउ योर प्रायोरिटी इज फ्रॉम विद इन टू विदाउट बिकम द सेम सेम वर्ल्डली अपीयरेंस एंड द इनवर्डली एक्चुअलिटी शुड बी द सेम इट शुड बी गॉडली गॉडली क्वालिटीज। गल पाथर कैसे तरे अथाह ये दुनिया है तेरी लाइफ की जर्नी है इट इज लाइक ट्रैवलिंग ऑन अ स्मॉल बोट अक्रॉस एन ओशन एनी टाइम यू कैन मेक सच अ मिस्टेक दैट यू विल जस्ट ड्राउन व्हाट आर दिस मिस्टेक्स कुत्ते वाली लालच वाली लालच किया किसी चीज नु हाथ पाया पुलिस ने फड़ के अंदर करता लग गया दाग जिंदगी भर का दाग लग गया और किसी चीज नु हाथ पाया कोई काम वासना कोई गुस्सा गलत शब्द कुट पै गई तो दीज आर थिंग्स दीज आर एक्सपीरियंसिस विच विल फिनिश यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ तेरे जेड़े गुणा दे जेड़े खजाना है वो एकदम खाली हो जाएगा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल यू हैव टू गार्ड दिस ट्रेजर एंड बिल्ड इट ये जेड़े 10-15 गुण ने जेड़े भी तेन लगते हैं चंगे लगते हैं जेड़े तेन सोझी बख्शते रब बख्शता है कि ये गुण मैं अपनाने ने इन्हों जमा कर ते अपने अवगुण कट जाके अंदर बसे प्रभ आप नानक तेजन सहज समात। सो अगेन गुरु साहब हैज टेकन अस टूवर्ड्स अ डायरेक्शन विच इज द एम ऑफ अ सिख इज टू समाना इन सहज अवस्था इक्विपॉइज इक्विपॉइज केड़ी पॉइज है एक अवस्था है जिदे जिस इज द एंड रिजल्ट ऑफ सुख मनी इफ यू हैव द सुखा द मनी यू आर इन सहज समात सहज अवस्था आ जाता क्यों जिस तरह पंजवें गुरु साहब तत्ती तवी ते सहज सी तेरा पाना मीठा लग कुछ भी हो रहा होए वो ही करा रहे जब तू समझ लो कि वो ही करा रहा है जो थोड़े नाल हो रहा वो ही करा रहा है तो तुहानू सहज आ जाता है सहज मीन्स यू एक्सेप्ट वॉट इज हैपनिंग टू यू वाई बिकॉज इन साइड योर प्रायोरिटी इज दैट फायर इज बर्निंग ऑफ कॉन्स्टेंट मेडिटेशन loving remembrance that is should be the real fire not the fire of worldly attachments running after things impressing people what does that person think of me what do these people think of me unhone is tarah kyun kiya oh kyun kiya no leave all that get inside your own antah karan find that feeling that sensation
and dwell upon it, develop your remembrance, meditation, and amplify that. ਉਹ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਜ ਸਹਿਜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਨ ਅੰਧਾ ਕੈਸੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ, ਕਰ ਗਏ ਲੇਹ ਓੜ ਨਿਭਾਵੇ, ਕਹਾਂ ਬੁਝਾਰਤ ਬੂਝੇ ਡੋਰਾ, ਨਿਸਕਈਏ ਤਉ ਸਮਝੇ ਪੋਰਾ, ਕਹਾਂ ਬਿਸਨ ਪਾਵੇ ਗਾਵੇ ਗੁੰਗ, ਜਤਨ ਕਰੇ ਤਉ ਵੀ ਸੁਰ ਭੰਗ, ਕਰ ਪਿੰਗੁਲ ਪਰਬਤ ਪਰ ਭਵਨ, ਨਹੀਂ ਹੋਤ ਊਹਾਂ ਉਸ ਗਵਨ, ਕਰਤਾਰ ਕਰ ਨਾਮੈ ਦੀਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤਰੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸਿਕਸਥ ਸ਼ਬਦ ਆਫ ਦ ਚੌਥੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ। ਸੁਨ ਅੰਧਾ ਕੈਸੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਗਹਿ ਲੇਹ ਓੜ ਨਿਭਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਅਗੇਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਦ ਪਰਸਨ ਐਸਪਾਇਰਿੰਗ ਟੂ ਬੀ ਅ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਂ? ਮੈਂ ਤਦੇ ਆ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ। ਕਹਾਂ ਬੁਝਾਰੇ ਬੂੜੇ ਡੋਰਾ, ਨਿਸ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਮਝੇ ਭੋਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਕੁਝ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪਜ਼ਲ ਕਹੋ, ਕੋਈ ਬੁਝਾਰਤ ਪਾਓ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਜਿਹਾ ਟਾਸਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕਹਾਂ ਬਿਸਨ ਪਾਉ ਪਦ ਗਾਵੇ ਗੁੰਗ, ਰਤਨ ਜਤਨ ਕਰੇ ਤੋ ਵੀ ਸੁਰ ਭੰਗ। ਇੱਕ ਗੁੰਗੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁੰਗਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾ ਸਕਦਾ? ਜਤਨ ਕਰੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਠ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਸੁਰ ਭੰਗ ਹੋਣੇ ਹੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੇਸੁਰਾ ਹੀ ਗਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸੁਰੀਲੇ ਗਾਵਣ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਣ ਦੀ, ਰੱਬ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦ ਮੂਮੈਂਟ ਇਹ ਡਰਾਈਵ ਈਗੋ ਫਰੋਮ ਡੂਇੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਗੁੱਡ, ਸਮਥਿੰਗ ਗੋਡਲੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ ਮਾਈ ਐਂਡ। ਆਈ ਐਮ ਅਗੇਨ ਲੀਵਿੰਗ ਦੈਟ ਪਾਥ ਆਫ ਅ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਕਰ ਪਿੰਗੁਲ ਪਰਬਤ ਪਰ ਭਵਨ, ਨਹੀਂ ਹੋਤ ਊਹਾਂ ਉਸ ਗਵਨ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਂ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟੀ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੋਏ, ਲੱਤ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਪਲ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜ ਰੱਖ ਰਹੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਲ ਹਾਂ, ਆਈ ਐਮ ਮੈਂਟਲੀ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਏ ਕ੍ਰਿਪਲ, ਵਿਦਾਊਟ ਅ ਹੈਲਪ ਆਈ ਕੈਨੋਟ ਕਲਾਈਮ ਦਿਸ ਮਾਊਂਟੇਨ ਆਫ ਐਨ ਐਫਰਟ, ਦਿਸ ਐਫਰਟ ਆਫ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਯੂ, ਆਫ ਬਿਕਮਿੰਗ ਲਾਈਕ ਯੂ, ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਯੂਅਰ ਗੁਣਾਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣ ਕੱਢਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਲ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਹਾੜ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਕਰਤਾਰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਦੀਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੇ ਕਿਰਪਾ ਤਰੇ। ਅਗੇਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਐਂਡ ਆਫ ਦਿ ਸ਼ਬਦ, ਅਗੇਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਸ ਅਰਦਾਸ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੀਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੁਣਾ ਦੇ ਸਾਗਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਇਸ ਅਥਾਹ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਥਾਹ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਬੋਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦਿਓ, ਇਸ ਸਾਗਰ ਦੀ ਵੇਵ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਸਿਕਸਥ ਸ਼ਬਦ। The seventh shabad,
संग सहाई सो आवे ना चीत, जो बैराई तासियो प्रीत। जेड़ी पावर, जेड़ा रब की जेड़ी प्रेजेंस है, वो तेरे अंदर हमेशा है। तू उन्हें डेवलप करनी है, एम्पलीफाई करनी है बाय कॉन्स्टेंट रिमेंबरेंस, लविंग डिवोशन। वो तेनू चीत नहीं आती, तू भुल जाना उन्हें, वो ते फोकस नहीं करना। वो फोकस करके उन्हें जे सवेर दे घंटिया पूरे दिन वास्ते एम्पलीफाई करके रखेगा, तेरे 24 घंटे जड़े ने उस पावर की शरण अच्छे बीतन गए। वो तो तू किया नहीं, ना तेनू कदे याद आया कि मैं करा। जो बैराई तास्यो प्रीत, बैराई मीनस जेड़े तेरे बंदे, जेड़े तेरे लोग ने, जेड़ी जेड़ी चीजा ने दुनिया च जो तेनू अपने रस्ते तो उतार लेंगे, हु आर अपोजिंग यू, हु आर योर एनिमीज, उन्होंने तू प्यार रखा है। मैं सवेरे उठ के सब तो पहला व्हाट्सएप चेक करांगा, वो फलां फलां मेरी जेड़ी कॉम्पिटिटर है वो मेरे बारे की सोचता है, की सोचती है, या अज मेरी बैलेंस शीट की स्टेटस है, या अज शेयर दी मार्केट इच मेरा ये फलां फलां जेड़ा आईपीओ है या जो भी है म्यूचुअल फंड है वो अज मेरे किन्ने बन जाएंगे। सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स विच आर लीडिंग मी अवे फ्रॉम द पाथ ऑफ सिक्खी। जिहड़ी जिहड़ी पावर जिहदे ते मैं कॉन्सनट्रेट करना सी, जिहदे नूं जिहदे ते मैं अरदास सारियां मेरी मंगा पूरियां करन वाला सी, ये सारी चीज़ां वो ही पूरी करता। इन्हां चों जिहड़ी मैं चंगी आउटकम मंग रहा सी वो आप ही कर देंदा, जे मैं उहदे नेड़े लगदा उहदी बख्शिश होंदी ते मैनूं वरी करन दी लोड़ नहीं, ये सारी चीज़ां मेरी पूरे दिन सही होंदियां। बलुआ के ग्रे भीतर बसे, अंध केल माया रंग रसे। तू ये रियलाइज नहीं किया कि जेड़ा तेरा मकान है, जेड़े तेरे ये सिचुएशन तू बनाई हुई है, या तू जिस पोजीशन में है, वो एक सैंड कासल है। सैंड कासल मीन्स है उन्हू हथ लाए टूट जाती है। छोटा मोटा एक वर्ल्ड कुछ छोटा मोटा चेंज आया, सारी बिजनेस, सारा तेरे प्लान, सारा कुछ तेरा चौपट होके हट सकता है। अजकल देख ही रहे हैं कोरोना वायरस से किन्ने किन्ने बिजनेसेस हैव बीन वाइप्ड आउट, एयरलाइंस, होटल्स, टूरिज्म। सो रब दी जड़ी प्रकृति है ये बनी ही मिट्टी दी बनी है, ये परमानेंट नहीं है। लेकिन साड़ा साड़ी साड़ा भुलेखा की है, साड़ी गलत फहमी की है, ऐसी सोचने ये परमानेंट है। ये असी मशक्कत करी जाते हैं, इसे जड़ी मशक्कत असी करनी वो नहीं कर रहे। आनंद के अनद केल माया रंग रसे, ये असी बड़े बड़े रंग लभ लेने, असी इन्हें असी वसीले लभ लेने टू रिमेन एंटरटेन। कोई ना कोई किसी चीज जो बड़ी है, चंगी है, जो भी है, वो असी मजे रसा च असी बिजी रहने। अज मेरे किन्ने डॉलर बन गए, या मैं शेयर किन्ने होर मेरे शेयर बद गए, या मेरे अज इन्नी कमाई हो गई, या जो भी है, या मैं अज किन्ने दोस्तों को इंप्रेस कर लिया, लोग अज मेरे नाल किन्ने खुश ने कि किन्ना चंगा बंदा है, ये मेरा अपना इंप्रेशन है। आई एम एडिक्टेड टू दिस रस ऑफ इंप्रेसिंग अदर पीपल। सो ये सब चीज़ा ने जिहड़िया ये टुटदियां बिल्कुल टाइम नहीं लगता। दृढ़ कर माने मने प्रतीत, काल आवे मूड़े चीत। यह जी जिहड़ी मेरी जिहड़ियां मेरी, आई हैव एम्प्लॉयड माई सेल्फ इन टू these sort of rasas, या मैं कहो जड़ी मैं ये रस्ते पकड़े हुए ने, ये दृढ़ का मनिया है कि ये ही मेरी, दिस इज द माई डेली वे ऑफ लिविंग, दिस इज माई एंड एंड ऑल ऑफ लाइफ, दिस इज वॉट आई लिव फॉर। बट तेनों याद नहीं है कि तू एक दिन इस दुनिया तो चले जाना, किसी ने याद भी नहीं करना कि वह किहो जिहा बंदा सी, या उन्हें किन्ने कमाए, और किन्नी किताबां लिखियां, और किन्ने अर्थ करता सी, वो किसी ने कोई याद नहीं रखना। सब आपो अपने अपने ही प्रायोरिटी बना के अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। तू कदे भी ये नहीं सोच सकता कि तू बड़ा इतने परमानेंट एक फिक्चर है, यू आर जस्ट अ गेस्ट आर्टिस्ट है। बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ विकार महा लोभ त्रोह।
Now these are the avguns which he has specified. Guru Sahib has specified. These are the avguns which are running inside us. ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਛੁਪਾ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫਿਤਰਤ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਵੀ ਪੋਜ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਨਨ ਆਫ ਦੀਸ ਲਿਟਲ ਵੀ ਡੋਂਟ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਦੈਟ ਇਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਟੂ ਦ ਅਦਰ ਪਰਸਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਹਿਮਸੈਲਫ ਹੈਜ਼ ਦੋਜ਼ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਔਰ ਬੈਡ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੀ ਕੈਨ ਪਿਕ ਅਪ ਦੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਈਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਨੇ ਬੈਡ ਵਿਰੋਧ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਐਗਰੈਸਿਵ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੈਰ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਲ ਵਿਲ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਹਾਏ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੋਏ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਕਾਮ ਬੜੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਜੋ ਤਾਨਾ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਾਮ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰੱਖਣੀ ਕ੍ਰੋਧ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਮੋਹ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਬੜਾ ਅਟੈਚ ਰੱਖਣਾ ਹਰੇਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏ ਲਿਵਿੰਗ ਨੋਨ ਲਿਵਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਚ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਹਾਏ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ ਮਹਾਂ ਲੋਭ ਧਰੋਹ ਮਹਾਂ ਲੋਭ ਕੋਈ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਭੁੱਖਾਪਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟ੍ਰਾਂਸੀਡੈਂਟਲੀ ਯੂ ਡੋਂਟ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਇਟ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਧਰੋਹ ਗੁੱਸਾ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ ਬੁਰਾ ਆਚਰਣ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਵਿਕਾਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬੁਰਾ ਆਚਰਣ ਯੂ ਨੋ ਕਰਪਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਸੋ ਦੀਸ ਆਰ ਆਲ ਦ ਬੈਡ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਵਿਚ ਡੋਂਟ ਲੈਟ ਅਸ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਦੈਟ ਥਿਨ ਫੀਲਿੰਗ ਇਨਸਾਈਡ ਦੈਟ ਵੈਰੀ ਫਾਈਨ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈਸਲੀ ਚ ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਥਰੈਡ ਲੀਡਿੰਗ ਟੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਟ ਲੀਡਸ ਅਸ ਟੂ ਦੋਸ 10-12 ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਇਹਾਹੂ ਜੁਗਤ ਬਿਆਨੇ ਕਈ ਜਨਮ ਨਾਨਕ ਲਾਖ ਰਹੋ ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਆਪਨ ਕਰ ਕਰਮ ਅਗੇਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦਿਸ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੁਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਵਾਂ ਇਸ ਅਥਾਹ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਰਹਾਂ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਵਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਥਰ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਇਹ ਪੱਥਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੁੱਬ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਪਾਰ ਲਗਾ ਦਿਓ ਇਹ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਔਨ ਆਵਰ ਬਿਹਾਫ So in this last shabad of this chauthi ashtpadi, Tu Thakur Tum Pahe Ardaas. So this whole shabad is of ardaas only, of supplication. Having understood my failings, I understand Vaheguru Ji, ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਿਤਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਠ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਮਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਪਾਰ ਲੱਗਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਪਲੈਨਟ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਭ ਤੇਰੀ ਹੀ ਰਾਸ ਹੈ ਤੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ ਅਸਲੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਘਨੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਗਣਿਤ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਮੈਂ ਜੇ ਚਾਹਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਜਰ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇਰਾ ਅਗਲਾ ਪਿਛਲਾ ਤੇਰਾ ਘੇਰਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਤੂੰ ਪਰੇ ਹੈ
कोई नहीं जान सकता। जिन्हें भी तेरे थे मेडिटेशन की थी उन्हें यही कह है कि तू बेअंत है। मैं तेरे अंदर खो सकना बट तेरा अंत नहीं पा सकता। ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, तू ऐसा भगवान है कि तू सब तो ऊंचा है, सब तो ऊंचा, ऊंचे तो ऊंचा, मतलब इवन आई कांट इमेजिन हाउ हाई यू कैन बी। तेरी ऊंचाई कितनी है वो मेरे मेरी कॉम्प्रिहेंशन तो परे है। सगल समगरी तुमरे सूतर तारी, जिहड़ी जिन्नी समगरी है जो कुछ भी इत्थे मैनूं आइटम दिख रही ने, कोई भी चीज़, पेड़ पौधे पत्थर जमीन आसमान उहदे च क्रिएशन बनाइया चीज़ां, ये सब जिहड़े ने तेरे तेरे बनाए ने, एक रस्सी च परोए ने, वो सब तेरी तेरे ही क्रिएशन है तेरे। और इन्हां च सूतर होए ने कि मैं जदों इन्हां च देखा तेरी याद आवे। एक माला के हिसाब नाल, एक माला की तरह जड़े मंडके ने, यह सब मंडके की तरह ने, इन्हों देखा तेरी जिथे मैं नजर पाया ते तू ही याद आवे। तुम ते होए सो आज्ञाकारी, जिहड़ी सारी समगरी है ये समगरी मेरी सेवा च आती है, मेरे काम आती है, मैनू मैनू एंजॉयमेंट मिलती है, मैनू रस मिलता है, उस इस सब समगरी जिहड़ी है तेरी आज्ञा चलती है, वो तेरी है ते तेरी आगे चलती, तू चाहना है ते मेरे काम आंदी है, मेरे फायदे च आंदी है, मेरे मैनु मजे देंदी है। तुमरी गतमित तुम ही जानी, गतमित वही चीज मतलब तेरी मेजरमेंट, तेरी जेड़ी जो तेरी फितरत है या तेरी जो फीलिंग्स हैं वो भी मैं नहीं समझ सकता। गत की है तेरी, मित की है, मतलब तेरी मेजरमेंट जेड़ियां ने वो भी मैं मेजर ही नहीं कर सकता। मैं तो खाली तेरे तेरा क्रिएटेड बाई यू है एंड आई एम रनिंग एट योर कमांड। नानक दास सदा कुर्बानी, मैं तेरे ते कुर्बान जाना हाँ। आई एम अ सैक्रीफाइस एंड टू यू, वंस आई रियलाइज दैट आई एम अ सैक्रीफाइस एंड टू यू, आई एम ऑन अ पाथ ऑन बींग अ गुरमुख। सी सो आई हैव, आई फील दैट आई हैव नोशनली गिवन अप माई ईगो एंड आई एम अ सैक्रीफाइस एंड टू यू। I don't think a manmukh can wholeheartedly say such a thing, but a gurmukh should try and reach that stage ki main tere te qurban jana. That is the beginning of the path of a gursikh. I hope we can all endeavor to start on this path and start with very very basic baby steps and reach where Guru Sahib aspires to take us. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै।